नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी मैवे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने ऑनलाइन लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी थी आप सभी दोस्तों के लिए RPSC AN की, जिसके अंदर हमने टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग के एज वेल एज GK का काफ़ी सारे वीडियोज़ डाले थे। उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए भी हैं। आज हम आपके लिए पेपर लेकर आए हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग का है, जो कि इसकी जल्दी मैं डिस्कशन लेकर आ रहा हूँ। इस पूरे पेपर का एक एक क्वेश्चन का आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। मैं जल्दी ऑनलाइन आने वाला हूँ, कुछ ही देर में 15 to 30 minutes के अंदर मैं आपके साथ में ऑनलाइन आ जाऊंगा। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया, तो जरूर बेल आइकन को दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं अपने आपके लिए आंसर की लेकर आता हूँ इस पेपर की, तो आप उस वीडियो को देख सकें। मैं ऑनलाइन आने वाला हूँ कुछ ही देर में, 15 to 30 minutes के अंदर, तो जल्दी आप प्रिपेयर हो जाइए अपने पेपर के साथ में, तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन को दबा रखा होगा, तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं ऑनलाइन आ गया हूँ। वहाँ से आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप डायरेक्टली कॉमेंट करके मेरे से पूछ भी सकते हैं। मैं जल्दी ऑनलाइन आने वाला हूँ, इसीलिए आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपके पास में हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन, जो मैं जैसे लाइव आता हूँ आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरा, तो वहाँ से आप मेरे साथ में लाइव आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हालांकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं पसंद आने वाला, जस्ट मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, इन्फॉर्म किया है आप लोगों को। ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस पेपर में किसी ने सॉल्व कर रखे हैं। मेरे पास में पूरा पेपर आ चुका है, मैं जल्दी इसको सॉल्व करके आपके साथ में लेकर आ जाऊँगा आंसर की। उससे पहले एक बार डिस्कशन अपन करेंगे, जिसमें अपन पता करेंगे किसके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं और कितनी एक्सपेक्टेड। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का भी मेरे पास में कमेंट आ चुका है प्रीवियस वीडियोस में कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए जल्दी, हमारे को क्या जा सकती है। तो डरिए मत फ्रेंड्स, ज़्यादा एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि 1/4 स्टूडेंट तो एबसेंट थे, यानी 40,000 टोटल अगर स्टूडेंट्स बैठे हैं, जिसमें से नहीं एक फॉर्म भरा था जिन्होंने, उनमें से 1/4 यानी 10,000 तो आए भी नहीं हैं। तो आप मान के चलिए 30,000 में से आपकी कट ऑफ बनेगी, और 30,000 में से जब 15,000 को सिलेक्शन मिलेगा तो क्या कट ऑफ जाएगी। ये सारे कोचिंग वालों ने अभी भ्रम फैला रखा है कि 150-200 कट ऑफ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 100 नंबर से लेकर के 130-150 मैक्सिमम बोल सकता हूँ, 150 मतलब के 100 नंबर ऑन एन एवरेज, और मैक्सिमम अगर मैं बोलता हूँ तो 150 के आसपास जा सकती है। लेकिन अगर जैसा पेपर आया है टेक्निकल का, बहुत आसान पेपर आया, लेवल ऑफ पेपर जो होता है वो बिलो एवरेज है। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि एक्सपेक्टेड करा गया था, जैसे काफ़ी सारी ऐसी कोचिंग्स हैं जिन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऑनलाइन कोचिंग्स भी आपके, जिन्होंने बोला था बहुत टफ पेपर आएगा, ईएस के क्वेश्चन सॉल्व करके, ये ऐसा कुछ नहीं है, JEE से भी लो लेवल का पेपर आया। ओके फ्रेंड्स, तो आपसे अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, जैसे ही मेरा वीडियो आएगा आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड। ये सारे क्वेश्चन आपके पास में है, पूरा पेपर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा पूरा पेपर, वहाँ से आप, जिसके पास में नहीं है, कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने RPSC AN का पेपर नहीं दिया होगा, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के पूरे पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और आपका कितना स्कोर बनता है आप मेरे को इस वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। इससे क्या होगा, मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे मैं आपकी, आपसे ही बताई गई कट ऑफ से ही रिगार्डिंग मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अभी हाल फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकता कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी, ऐसा 100 या 150 मैं अभी कह नहीं रहा हूँ, अभी आप बताएंगे उसके बाद में मैं अपना रिस्पॉन्स दूंगा कि क्या जा सकती है। क्योंकि जब तक कम से कम 100 to 1,000 स्टूडेंट्स का जब तक सर्वे नहीं कर लिया जाता, जब तक 1,000 स्टूडेंट्स का, जब तक आप एक अच्छी एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता सकते। इसीलिए अपने फ्रेंड्स के अंदर इस सारी वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल के लिंक को शेयर करिए, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें अपने कट नंबर बताने में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।